वतन इस देश का भला हो ही नहीं सकता। हमको ये देश अपने से मेरा बनाना है। जिस जिस मोमेंट ऑफ टाइम ये देश मेरा हो जाएगा उस पर हम खुश भी रहेंगे और इस देश के तरक्की को कोई रोक भी नहीं पाएगा। शायद आप मैं बताते हो, मैं इस विषय की अभ्यासक नहीं हूं करके इस विषय के बारे में ज्यादा बात भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन शायद आंकड़े बताते हो कि 4 में से 1 इंसान डिप्रेस्ड है। आंकड़े बतलाते हैं ये डिप्रेशन क्या होता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं जिम्मेदारी के साथ विधान कर रही हूं। 2-3 साल पहले तक मैं भी उस तरफ बैठती थी और करके आपकी साइकिल और मेरी साइकिल को समझ के और फिर ये विधान कर रही है। ये डिप्रेशन वो होता है जब हमको लगता है कि 4 लोग आकर हमको पूछे भाई क्या हुआ तेरे को। ये डिप्रेशन वो होता है कि हमें दोस्त कहीं पार्टी वार्टी पर जाए, पार्टी सबके डांस खींचे, लेकिन इसकी मत खींचना क्योंकि ये डिप्रेस्ड है। ये क्या होता है यार, हम में से कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ अस आर मैड, हाउ मेनी ऑफ अस आर फूल, कितने लोग पागल है, हम में से कितने लोग पागल है। जब तक किसी भी चीज के लिए पागलपन नहीं आता तब तक उस चीज के उस सर्वोच्च शिखर तक हम पहुंच ही नहीं सकते। हमें अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने चीज के बारे में पागल होना पड़ेगा। दिन रात सुबह शाम जब 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे बैठी नहीं है ना, तब हमारे देश के लिए कोई इंसान 18 घंटा क्रिकेट खेला है और तब जाकर दुनिया ने उसे मास्टर ब्लास्टर बोला है। ये डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ नहीं होता। जब हमारा अपने आप पर का भरोसा खत्म हो जाता है तब डिप्रेशन नाम की चीज और शब्द में समझ में आता है। आज से 15 साल पहले हमारे मम्मी पापा को कुछ सा डिप्रेशन क्या था, वो बोलते थे हमने अगर हमारे पिताजी को मैं डिप्रेस हूं बोला रहता तो हमारे की गली पर तो भी एक लात पड़ रही होती। करेक्ट हूं, भाई हम डिप्रेस्ड है। एक वो इंसान मैंने क्या, हमारे यहाँ पर एक रामायण नाम की हमारे बचपन में एक स्टोरी आती थी, टीवी पर चलता था। वो सच है नहीं है, भगवान है नहीं है, उसके बारे में अलग सोचते हैं, लेकिन वो स्टोरी सबको बताया गया। राम नाम का एक कैरेक्टर था, अपनी बीवी को बचाने के लिए एक बंदे से लड़ पड़ा, उसका नाम रावण था और उसको जिस किसी ने की उसको हनुमान उसकी पूरी वाणा से नदी। एक मैसेज भेजने के लिए अयोध्या यूपी में पढ़ता है, श्रीलंका कन्याकुमारी के आगे पढ़ता है, कन्याकुमारी तक चलकर गए, साथ में जितने भी प्राणी थे उन सबको इकट्ठा किया और कन्याकुमारी में जाकर जो आखिरी रामेश्वरम भाग है वहां पर जाकर मैसेज भेजना था ममता ने कि भाई मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ, अब आपने को लड़ाई करनी है, अब मैसेज भेजेगा कौन। और वहां जाकर सिर्फ मैसेज नहीं भेजना था, रेटी भी करनी थी कि लंका है कैसी, वहां पर उसके पास सैन्य कितना है, सारी चीजें बराबर है कि नहीं। और तीसरा उद्देश्य भी साध्य करना था कि बीवी को लेकर गया लेकिन बीवी भी सेफ है कि नहीं। ये तीनों चीजें करनी थी, ये तीनों चीजें करने के लिए एक बंदे को वहां पर भेजना था। तब ना तो ड्रोन थे ना तो कोई और चीज थी कि वहां पर जाकर सैटेलाइट से देखकर आकर आएंगे। अब एक बंदे को भेजना था, सबसे बेस्ट बंदर कौन था उसमें, सबसे बेस्ट मानर जो था उसको बोला भाई जाकर देख कर आ। बोला नहीं मैं तो इतनी लंबी छलांग लगा ही नहीं सकता। तो और एक कैरेक्टर यह कहते भालू सुगन दिखता था, कौन था वो, उसको साइड में लेकर जाता है, बोलता है भाई सुन ये जो लंबी छलांग लगानी है वो तू लगा सकता है, तेरे में ताकत है क्योंकि तू तो वायु पुत्र है, तू वायु सूत है, तू ये चीज कर सकता है। उसने एक मोटिवेशन ही नहीं उसको इंस्पायर किया। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में फर्क है, मोटिवेशन बाहर से आता है, इंस्पायर अंदर से होना पड़ता। उसको इंस्पायर किया भाई तू ये कर सकता है और 3-4-5 मिनट के बौद्धिक के बाद वो इतना नया हो जाता है कि एक छलांग में लंका पार कर पाता। हम में वो काबिलियत है, ये बतलाने के लिए मैं यहां पर खड़ी हुई हूं।
हम सब बेस्ट बन सकते हैं, हम सब हमारे देश को सबसे ऊंचे मकाम तक ले जा सकते हैं, हम सब अपने अपने क्षेत्र में सबसे टॉप कर सकते हैं, सिर्फ हमको पता नहीं है। अपने आप को घर जाके ये सवाल पूछो कि मैं कौन हूं। एक चीज बताओ, जब भी कभी झगड़ा होता है, यूजुअली लड़कों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, यूजुअली जब भी कभी झगड़ा होता है आगे वाले को अपन सबसे पहला सवाल पूछता है, अरे जानता है मैं कौन हूं? वैसा नो, कभी अपने आप को ये सवाल पूछा है क्या अपन ने कि मैं कौन हूं? डू दिस एक्टिविटी, डू दिस एक्सरसाइज टुडे कि मैं कौन हूं। सवाल पूछो अपने आप से, मैं मेरे माता पिताजी का बेटा या बेटी, किसी की बहन, किसी का भाई, ये होने के अलावा मैं हूं कौन? और मैं अगर हूं तो मेरा इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, इस देश में, इस गांव में, इस कॉलेज में काम क्या है? ये सवाल पूछो। और एक चीज बताओ, जब रेशम का कीड़ा मरता है ना, तो एक छोटा सा रेशम का कीड़ा मरता है, ये किसी फेमस पिक्चर का डायलॉग मैंने चुराया है इसलिए याद नहीं आ रहा, ओरिजिनल नहीं है। एक रेशम का कीड़ा मरता है तो अपने पीछे एक मीटर का लंबा रेशम का धागा छोड़ के जाता है। हम तो फिर भी दो कान, दो आंख, एक नाक और एक सिर वाले इंसान है। हमने सोचना है कि हम मरने के बाद इस दुनिया में क्या छोड़कर जाएंगे। हमने तय करना है। यूजुअली क्या होता है, हम बड़ा होके क्या करना है, इंजीनियरिंग, बड़े होके क्या करना है, सीए, बड़े होके क्या करना है, बीबीए, उसके बाद क्या करना है, जॉब। जो सब लोग करते हो मैं करती हूँ और मैं करता हूँ, यस और नो? पसंद क्या है, भेड़ियों के ग्रुप में चलना कि शेर के माफिक चलना? लेकिन शेर के माफिक अगर चलना है तो शेर को कभी झुंड में चलते हुए देखा है क्या? और भेड़ियों को कभी अकेले चलते हुए देखा है क्या? जाने दो। क्या है, दो तीन साल ही हुए वहां से यहां पर, अब भी बहुत बार जब मौका मिलता है तो इससे ज्यादा खराब बात करते हैं। अगर हमको शेर वाला एटीट्यूड रखना है और अगर हम चाहते हैं कि इस टेरिटरी के किंग बने, तो शेर वाला एटीट्यूड लाना भी होगा। सिर्फ इतना बतलाने का प्रयास है, कि खुद क्या है उसके बारे में बात करते हैं, हम कैसे खुश रहे इसके बारे में बात करते हैं। और हमको अगर खुश रहना है तो हमको हर एक चीज जिंदगी में आने वाली अच्छी करनी है और सच्ची करनी है। जब हम खुद के तरीके से खुद की हर एक चीज अच्छी और सच्ची करेंगे, हमको सक्सेस अपने आप मिलेगी। द मोमेंट वी आर सक्सेसफुल, खुशी अपने आप चलकर हमारे घर पर आएगी। आज यहाँ पर 800,000 लोग बैठे हैं, अगर हम यहाँ से जाते वक्त 800,000 लोगों ने इतना भी तय कर लेंगे कि हमको अपना खुद का एक प्रिपरेशन करना है, खुद को तैयार करना है, खुद एक अच्छा काम करना है, आज की कॉन्फ्रेंस, आज का कार्यक्रम सफल रहा। इस 1,000 में से 10 लोग भी यहाँ से ये सोच और ये संकल्प लेकर जाए तो भी आज के ये कॉन्फ्रेंस सफल रही, ऐसा यह आयोजक और हम दोनों मानेंगे। वो क्या है, कुछ काम करने के लिए नहीं है, पैसा खर्च करने के लिए करके ये कॉन्फ्रेंस करें ये सवाल नहीं है। मतलब कुछ बाकी काम नहीं करने चाहिए, थोड़ा सा नाम होना चाहिए, करके कुछ लाखों खर्चा कर दो, एक कॉन्फ्रेंस रेडी कर दो, थोड़ा सा एक्टिविटी हो जाएगी, ये मकसद से कॉन्फ्रेंस नहीं किए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है हमारा, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। आज मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो गई हो, लेकिन ये आज चलनी चाहिए। आइए उस आग को जलाते हैं और एक संकल्प ले जाते हैं इस देश को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने का, जिसका सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था। सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने का जिसका सपना शिवाजी महाराज ने देखा था, जिसका सपना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देखा था, जिसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। और वो सपना सच करने की ताकत अगर किसी में है तो वो हम में है। हम अपना सर्वस्व अगर उस सपने के लिए जीने के लिए देंगे, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को भारत माता की जय ना बोलकर हमारा हर कतरा हर पल भारत की जय के लिए अगर होगा, तो सही मायनों में ये सपना सच हो सकता है। आर्य चाणक्य ने कहा था, है या तो हमें युग युग की चलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर भी बताए, हमने अभिषेक किया था जननी का हर्षोणित
करें पुनः संस्थापन, हम करें राष्ट्र आराधना। हमें सिर्फ अपना 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 देना है, ये राष्ट्र की पुनर्निर्मिति जरूर होगी। एक 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 जिक्र जो नितिन जी हमेशा करते हैं कि 19वीं शताब्दी ब्रिटिशों की थी, जिन्होंने डिवाइड और रूल करके पूरी दुनिया पर अपना राज किया। 20वीं शताब्दी अमरीका की थी, जिन्होंने पहले युद्ध के बाद, पहले विश्व महायुद्ध के बाद अपना बिजनेस दुनिया में प्रस्थापित किया और सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में आ गया है। 21वीं शताब्दी अगर किसी की हो सकती है तो वो केवल भारत की हो सकती है, क्योंकि 21वीं शताब्दी नॉलेज इकोनॉमी रहने वाली है। फिर डेमोग्राफिक बिल्डन का वरदान हो या हमारे सिर की उपज या हमारी नॉलेज की कैपेबिलिटी, हम सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकते हैं। और अगर उस नॉलेज इकोनॉमी में आपने हमने सही तरीके का योगदान दिया तो हम कॉलेज में हैं, हमको भाषण सुनना, लेक्चर सुनना, पढ़ना, ये तीनों चीजें पसंद है। लेकिन इसके बावजूद मैं सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगी, जो पढ़ना पसंद है, व्हाटसोएवर, जो पढ़ना पसंद है, अगर आपको इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना नहीं पसंद, पेस्ट्री पढ़िए, पेस्ट्री पढ़ना नहीं पसंद, वुमेन्स एरा, मेन्स एरा पढ़िए, वो पढ़ना नहीं पसंद, फैशन वर्ल्ड पढ़िए, चाचा चौधरी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, व्हाट्सएप छोड़ के, लेकिन पढ़िए, क्योंकि 100 बार की एक बार पढ़ेगा इंडिया तभी तो। थैंक यू। पढ़ो और बढ़ो देश के लिए, मेरा देश, ये सोचो। शिवानी दानी, एक बार फिर से बहुत सारी धन्यवाद।